नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे के फरे। तो देखिए मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। चने के दाल पानी में 3-4 घंटे पहले भिगो ली थी। अब ये अच्छी तरह से देखिए फूल गई है, देखिए कट जा रही है बढ़िया से। अब इसे मैं मिक्सर में पीसूंगी। और इसके बनाने के लिए, फरे बनाने के लिए, ये जीरा, ये हरी मिर्च, ये लहसुन मैं ले ली हूँ। इसे सब इसी दाल के साथ मैं पीस लूंगी। देखिए उसमें मैं नमक भी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, अभी बाद में टेस्ट करके फिर डालूंगी। उसी पेस्ट में मैं दाल भी डाल चुकी हूँ। एकदम दाल मैं इसमें डाल चुकी हूँ और थोड़ी सी दाल मैं पीस भी ली हूँ। अब इसी तरह से मैं सारी दाल को दरदरा पीस लूंगी। डाल रही हूँ, ये देखिए धनिया पत्ता और जीरा जो है, मैं इसमें पेस्ट नहीं की थी, जीरा जो है इसमें खड़ा डाल रही हूँ मैं, देखिए। और ये देखिए धनिया पत्ता है। ये देखिए हल्दी पाउडर है। नमक भी इसमें मैं ऐड की हूँ लेकिन थोड़ा सा और मिला रही हूँ। अब सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। मिर्ची मैं 3-4 मिर्ची इसमें डाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना होगा तो आप और भी अपने स्वादानुसार मिर्ची और नमक दोनों मिला सकते हैं। पानी उबाला हुआ है, गर्म पानी है, इसे मैं धीरे धीरे इसमें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी तब इसे मैं डो बनाऊंगी इसका। बहुत गर्म है। ये देखिए मैं इसमें पानी मिक्स कर चुकी हूँ। पानी बहुत गर्म है तो इसलिए इसे 10 मिनट के लिए इसे ऐसे रख दे रही हूँ। अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, तब तक मैं गैस पे गर्म पानी चढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए 2 गिलास पानी मैं इसमें डाल दी हूँ। एक तब तक गर्म होगा उधर मैं बनाऊंगी। देखिए तब पानी जब तक गर्म होगा तब तक मैं उधर चल रही हूँ बनाने। और ये खारे रखने के लिए इसमें भी थोड़ा सा तेल लगाऊंगी।
ये देखिए मैं हाथ से ही आटे का वो छोटी छोटी बेल ले रही हूँ, हाथ से ही टिकरी बना ले रही हूँ। इसे मैं चौके बेलन से नहीं बना रही हूँ, हाथ से बहुत जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप चाहें तो चौका बेलन से भी बेल कर इसे गिलास चाहे कटोरी से काट सकते हैं। ये देखिए छोटी लोइया ले लेकर के हल्का सा हाथ में तेल लगा करके मैं इसे फटाफट बना ले रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी छोटी छोटी रोटियां बन रही हैं। आप भी बनाइएगा, खूब मजा आएगा, बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चम्मच से उठा उठा करके मैं इस तरह से देखिए खरे भर ले रही हूँ। देखिए हाथ से बनाने से बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, अब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे भी बनते हैं। देखो पानी हमारा उबल रहा है, देखिए मैं रख रही हूँ सारे फलों को, मैं इसी तरह से रख लूंगी। खराब हमारा बन चुका है, अब इसे देखिए मैं देख ले रही हूँ कि देखिए छुरी में बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब ये हमारा फरा रेडी हो गया है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा फरे जो है मैं इस तरह से पीस पीस कर ली हूँ, अब इसे मैं फ्राई कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे और भी चटपटा बना करके खा सकते हैं। देखिए इसमें हरी मिर्च भी मैं डाल दे रही हूँ, आप चाहिएगा तो नहीं भी डालिएगा, और ज़्यादा तीखा हो तो और भी डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा सरसों अरे थोड़ी से जीरा। देखिए अब इसे मैं निकाल लूंगी तो दिखाती हूँ सर्व करके आपको। अब ये देखिए फर हमारे ब्राउन हो चुके हैं, भून चुकी हूँ इसे मैं। देखिए दोस्तों खारा बनकर हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे मैं खाने जा रही हूँ। आप लोग भी खाइएगा और एंजॉय करिएगा इसके साथ। देखिए धनिया पत्ते की ग्रीन चटनी मैं बनाई हूँ, सुंदर चटनी है। आप इसे केचप से भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी से भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी हो ऐसे खाइएगा और एंजॉय करिएगा। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। ये हमारा फ्राई किया हुआ फरा, ये भी देखिए एकदम रेडी हो चुका है, कितना सुंदर फ्राई हुआ है। आप उस तरह से भी खा सकते हैं और इस तरह से भी खा सकते हैं, और चटपटा बनाना चाहें तो और चटपटा भी बना के इसको खा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर फरा हमारा तैयार है, बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर। वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।